मेरा नाम सरबजीत सिंह है जी। मैं पिंड नानक नंगल का रहने वाला। मेरी क्लीनिक आ जी रंगत नंगल सर्ब क्लीनिक। मैं रोजाना रूटीन की तरह अज भी अपनी क्लीनिक से पेशेंट चैक कर रहा है। तकरीबन 7:30 का टाइम से शामा का। दो परसन आए ने जिन्होंने अपने मुँह जड़े वह परन्याने लपेटे हुए सिर भी कवर किया हो। एक जना मोटरसाइकिल के उपर बैठा रहा, मोटरसाइकिल स्टार्ट करके एक जना अंदर आया। उन्हें अंदर आंद सारी पिस्टल अपना क्ढ़िया तो मेरी साती से ताणिया। साती से ताण के मैं कहता जिथे खड़ा तू उ खड़ा रह, नहीं तो मैं गोली मार दाँगा। जब मैं वह पिस्टल जरा हाथ ना साइड से करने की कोशिश की है तो उन्हें फायर किया, जो कि मेरी पिनी के वजिया। जब मैं अपना पिस्टल क्ड के मैं फायर करने की कोशिश की है, उन्नी देर में उन्हें दूसरा फायर कर दिता जो मेरे पट के वजिया। तो मैं काउंटर के उपर डिग गया, जिस दे नाल ही मेरा पिस्टल भी काउंटर से डिग गया। तो मेरा पिस्टल चक के दोनों मोटरसाइकिल से सवार होकर भज गए ने, जो कि रंगड़ नंगल के हालात बहुत माड़े ने। इत्थे नवें दिन कोई ना कोई वारदात होंदी रहिंदी आ, जो कि इत्थे जो नाका है बहुत जरूरी है, इत्थे पक्का नाका लगना चाहिए। रंगड़ नंगल दे विच किसी की भी जान जिहड़ी आ उह मतलब नहीं हैगी, सेफ नहीं हैगी। तो मैं दरखास्त करदा कि इत्थे रंगड़ नंगल पक्का नाका लाया जाए तो मैनू इंसाफ दवाया जाए। मेरे को जो पिस्टल सी मेरा लाइसेंसी पिस्टल है जी, उन्होंने पिस्टल नाल ही फायर किए जी, दो फायर किए हैं मेरे उपर। हाँ जी, वीडियो लागे कैमरे लगे हुए ने। पुलिस मुलाजम जो DSP साहब SHO साहब सारे मुलाजम गए ने, उत्थे चैक करते पे ने। कुछ ना कुछ तो उन्होंने फुटेज जी हाथ जरूर लगेगी। मेरा किसी नाल कोई झगड़ा कोई वैर विरोध नहीं है जी। मैं प्रशासन तो यही मांग करदा कि मैनू इंसाफ दवाया जाए तो मेरा जो पिस्टल जिहड़ा वो खो के लैके गए ने, मेरा पिस्टल मैनू ये जिहड़े अंसर ने इन्हां नू लब के तो इन्हां नू सज़ा दिती जाए तो मेरा जिहड़ा पिस्टल आ मैनू वापस किया जाए। साढ़े को अजे इनफॉर्मेशन आई से जौड़ हॉस्पिटल तो कि कोई अपना सरबजीत सिंह सरबजीत सानू कुन्नन सिंह नाम का अपना पासी नानक नंगल का गोली क लगने के दाखिल होया वा। जो इतलाह मिलते अं इस अस्पताल आए हैं, उन्हें बयान लै रहे हैं। जो बयान होएगा वो मुताबिक आप अगली कार्रवाई करा। जो साढ़े हूँ पहली इनफॉर्मेशन सू मिली है जो नेशनल शुरू चे मुताबिक दो फायर लगे खब्बी लत्त च। बाकी ये को पुछते हैं कि ये किवें कांड होया, वो मुताबिक आप अगली कार्रवाई जी अगर ये क्लीनिक उसे अड्डा रंगन नंगल सर्व क्लीनिक ना ना का कोई क्लीनिक आ उ मतलब अपने मैडिकल प्रैक्टिस करता उतों का एक कांड। सू दो दस रहे है, दो मुन्ने नौजवान आने मूँह अपने ढके से परने नाल तो मोटरसाइकिल से आए हैं। तो कोई 7:30 बजे की कोई वारदात दस दिए यहो जी कोई गल बयान लेने की मैं सोचा भी कोई पिस्टल लसेंसी है बत्तीपुर का वह खो के लै गए मतलब कि जो ये मतलब कि सू निशल इन्हें दसिया भी थोड़ा भी अपना भी ये अपने बचाव लिए क्या तो वो मुड़ के फायर करके खो के लै गए। नहीं झगड़े बारे कोई गल साडे सामने नहीं आई, बाकी इन्वेस्टिगेशन देखा भी किस कारण करके जो वारदात हुई है। अच्छे बयान लै रहे हैं कि सू जिनी कि इनफॉर्मेशन दसी है अपने वो मुताबिक तुम दस रहे हैं। अगर इन्वेस्टिगेशन देखा भी की है असली गल की है। ये दसने मुताबिक ही है। हाँ वही है, वो भी रंग निकलिया। देखते हो इन्वेस्टिगेशन चल रही है, जहाँ देखते हैं की है तो जो काम की तथ्य सामने आते हैं वो अलग एक केस दर्ज होया वा, ये अलग आ। दोनों इन्वेस्टिगेशन चल रही है, जिदा के हालात आने उस मुताबिक कार्य करेंगे।